हेलो, सबको आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस सर। अच्छा, हम लोग का जो पिछले जो पिछला क्लास में हम लोग जहां तक देख चुके थे, उसमें किसी को कुछ डाउट है? सर, आदर्श अग्रवाल का एक क्वेश्चन में डाउट है। पूछे सर, 1B का लास्ट वाला क्वेश्चन, 27। 1B का 27? यस सर। आपके पास ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 बेल्स वाला, यस सर, बोल रहे हैं आपके पास 6 बेल्स कमेंसिंग ट्रॉलिंग टुगेदर एंड ट्रॉल एट इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट्स रेस्पेक्टिवली इन 30 आवर्स, हाउ मेनी टाइम्स डू दे ट्रॉल टुगेदर? यही ना? हाँ सर। चलिए देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबका एलसीएम निकाल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने से आपका आंसर आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए, आपसे पूछा जा रहा है क्या कि इन हाउ मेनी टाइम्स दे टुगेदर, आपका बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ, मतलब क्या सब आपके साथ बोल रहा है क्या, सब कोई एक साथ कब आपके पास कमेंट्स करेगा, ट्रोलिंग करेगा, मतलब कब सब एक साथ बजेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबका एलसीएम निकाल देना है, आप देखेंगे आंसर आ जाएगा। और किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? बना रहे हो ना सब कोई? सर, हाँ? उसमें तो खाली ये दिया हुआ है कि मतलब कितने देर बात करेगा, वो तो निकल जा रहा है सर, लेकिन वो नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहा है कितने बार करेगा 30 घंटे में। अच्छा, कितने बार करेगा 30 घंटे में, ये भी पूछ रहा है ना? हाँ सर। हाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास 30 घंटा दिया हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, अब आप जब इसका रिजल्ट निकालेंगे ना, रिजल्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने देर में आपका क्या हो रहा है, मतलब फिर से एक साथ बज रहा है, यही ना पता चल जाएगा ना? एलसीएम निकालने से कितने बार में बज रहा है पता चल जाएगा ना? हाँ सर। 24 कितने बार में बजेगा ये जब पता चल जाएगा, मतलब कितने देर में बजेगा, तो टोटल आपके पास कितना है, 30 घंटा है ना? मान लो कि हम लोग का आंसर आता है क्या, 1 घंटा के इंटरवल में बजेगा। ठीक है, ये हम लोग को आ जाएगा एलसीएम निकालने से, आ जाएगा ना? ठीक है, 1 घंटा फॉर एग्जाम्पल बोल रहे, हो सकता है 1 घंटा में आए, 2 घंटा में आए, 3 घंटा में आए, जितना देर में भी आए उतने देर में आ जाएगा कि हाँ दोबारा से फिर से बजेगा। अब तुमको दिया है कि टोटल 30 घंटा में बताओ कितनी बार बजेगा, तो मान लो अगर तुम्हारे पास आता है 1 घंटा, तो 30 को 1 से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कीजिएगा, आ जाएगा 30 बार आ जाएगा, और 1 बार पहले से बज चुका है, तो 30 + 1 31 बार बजेगा। 2 घंटा आता है तो क्या होगा, 15 + 1 16 बार बजेगा, है ना? 3 घंटा आता है तो क्या हो जाएगा, 10 + 1 11 बार बजेगा। ये आपके पास आंसर होगा, बना के दिखाएंगे। 360 आ रहा है एलसीएम, उसके बाद बताइए। 360 एलसीएम आ गया है। कितना आ रहा है एलसीएम? 360 एलसीएम 360 आ रहा है? नहीं सर, 120 आ रहा है। अरे 120 आना चाहिए, देखने से तो लग रहा है कि 360 नहीं। यस सर 120। अच्छा 120 है ना? हां सर। चलिए एलसीएम के बाद से हम बता देते हैं, एलसीएम तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? नो सर। ठीक, तो देखो मतलब क्या, एलसीएम जितना आएगा उतना देर के बाद दोबारा से क्या होगा, ट्रोल करेगा। मतलब आपके पास एलसीएम आया है 120, देखो सब कुछ आपके पास मिनट में दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिनट, 120 मिनट, है ना? 120 मिनट के बाद दोबारा से फिर से 7 में बजेगा, तो 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 आवर ना। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटा, तो 2 घंटे के बाद सब क्या होगा, एक साथ बजेगा, सही बात है ना? अब देखो बोला है
कि इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम डू दे ट्रॉल टुगेदर. 30 घंटा दिया देखिए है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रॉल्स ट्रॉल्स इन एवरी 2 आवर्स, ठीक है ना. टोटल कितना गिवन हम लोग पास, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, तो ये आपके पास कितना है, 30 आवर्स है ना, 30 आवर्स टोटल दिया हुआ है. तो बताओ आपके पास कितना ट्रोल्स हो जाएगा, है ना. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30/2 = 15. देखो ये आया 15 बार आया इसके वजह से कि 30 घंटा में हर दो दो घंटा के बाद बचता है, तो आपके पास कितना बार बचेगा, 15 बार बचेगा. लेकिन एक बार तो पहले बच चुका है ना, क्योंकि एक बार पहले बच चुका है तो आपके पास कितना हो जाएगा, 15+1 = 16 टाइम्स हो जाएगा. ये आंसर चेक करो, 16 टाइम. क्यों ऐसा 16? देखो 15 ही आया ना, लेकिन 16 क्यों हुआ, 16 क्यों हुआ, क्योंकि देखो समझाते हैं, समझो यहाँ पे. देखो यहाँ पे मान लो 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आपके पास 30 तक गया, ठीक है ना. तो ये वाला और ये वाला भी तो काउंट होगा ना, काउंट होगा ना. देखो हम लोग जब गैप्स निकालते हैं इस तरीके से, गैप्स निकालेंगे तो हम लोग गैप्स निकालते हैं, अलग चीज होता है वो. लेकिन आपके पास ये बजने का बात हो रहा है, तो अगर 0 पे बजा है, ठीक है ना, और लास्ट में 30 पे जाके फिर से बजेगा ना. ऐसे हम लोग अगर काउंटिंग करते हैं तो कहाँ से करते हैं, काउंटिंग करते हैं तो इसको नहीं गिनते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके गिनते हैं. लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेल बजने का बात हो रहा है तो इस समय भी तो बजा होगा, है ना, और इस समय भी बजा होगा, तो 1 एक्स्ट्रा ऐड होगा, इसके वजह से 16 आया. ये किसी को कोई डाउट है, किसी को डाउट है तो पूछो. प्लस वन वाला बता दीजिए ना सर, प्लस वन वाला. हाँ उसमें क्यों किए. अच्छा ठीक है, देखो अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना सबका. हाँ सर. इसको कॉपी करो, हम प्लस वन वाला बताते हैं. हो गया, हो गया सबका, मिटा दे. हाँ सर. देखो प्लस वन वाला समझ लो, चलो 30 को थोड़ा सा छोटा करते हैं, प्लस वन वाला समझ में आ जाएगा. जैसे देखो हम लोग मान लेते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ होगा 0, ठीक है. आपको बोला जाएगा क्या कि इसको गिनिए, ठीक है ना, इसको गिनिए. तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे क्या, गिनना शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 बोलेंगे, सही है ना, सही है. अब अगर हम बोलते हैं क्या, कोई रेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, कोई रेस स्टार्ट हो रहा है, तो रेस जब स्टार्ट होगा तो बताओ 0 से स्टार्ट होगा कि 1 से स्टार्ट होगा. रेस जब स्टार्ट होगा तो उस समय टाइम 0 होगा कि 1 होगा. 0 जीरो होगा, ठीक है ना, बिल्कुल 0 होगा. अब देखो 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट करेगा तो उसी तरीके से मान लो बेल बज रहा होगा, ठीक है ना. तो बेल जब बजा होगा तो जब 0 टाइम होगा उस टाइम भी तो बेल बजा होगा, हाँ या ना. तब ना बोल रहा है कि 30 घंटा में टोटल बताओ, तो मतलब क्या, जब 0 घड़ी में बज रहा होगा, मतलब एक भी मिनट नहीं हुआ होगा, उस समय एक बार बेल बजा होगा, हाँ या ना, बजा होगा बेल. यस यस सर, बजा होगा. फिर जब 1 हुआ होगा तो फिर से बेल बजा होगा. यस सर. फिर 2 हुआ होगा तो बजा होगा, फिर 3 हुआ होगा तो बजा होगा, 4 हुआ होगा तो बजा, 5 भी बजा, ऐसे ऐसे करके कहां तक, 30 तक गया होगा. अब जरा सा गिनो, यहाँ पर बेल बजा 1, यहाँ पर बेल बजा 2, यहाँ बजा 3, इधर बजा 4, इधर बजा 5 और इधर बजा 6. तो देखो है तो 5 ही, देखने में तो 5 लग रहा है, लेकिन बेल कितना बार बजा, 6 बार. तो देखो 6 बार इसलिए आया क्योंकि आप अगर जोड़ेंगे घटाएंगे ना तो समय 0 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना, 0 इंक्लूड कभी नहीं होता है, ठीक है. तो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा में बच जाता है, इसके वजह से क्या हुआ, देखो इस 5 में 1 जोड़ना पड़ा,
उसी तरीके से हम लोग के पास 15 आया था तो 15 में एक जोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसमें भी देखो 30 में आपको यहाँ पर अगर जीरो हम लिख भी देते हैं कि 30 बार तो बजा होगा, लेकिन एक तो जीरो वाला भी तो बजा होगा ना, तो ये तो एक्स्ट्रा में छूट गया था, डिवाइड भी किया गया तो इसी को किया गया। 30 प्लस अगर हम लोग जीरो लिख के भी डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 30 वाला था तो 30 को डिवाइड किया गया 2 से, तो ये 15 तो आ गया, लेकिन एक तो जीरो बजे जब बजा होगा, जब समय स्टार्ट हुआ होगा उस समय जो बजा होगा वो तो छूट गया था ना, तो उसको जोड़ने के लिए तो प्लस 1 करना पड़ेगा ना। आ रहा है बात समझ में? बात आया समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़ते, और किसी को कोई डाउट है? देखो अभी भी किसी को संकोच होगा तो अभी भी बोलना, ऐसा नहीं कि परेशान रहना, लेकिन बताना मत, जिसको जो भी दिक्कत होगा बोलना, बोलिएगा तो पता चलेगा ना, तो सॉल्यूशन मिलेगा। और किसी को कोई डाउट है? किसी को नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर यहाँ पे पूछने में दिक्कत होता है तो आप ऐप में जाके अपलोड करिए क्वेश्चन, आप जब अपलोड करेंगे उसी समय आपको आंसर मिल जाएगा, ये बार बार बोला जा रहा है, आप ऐप में जाके क्वेश्चन अपलोड करिए, आंसर मिल जाएगा आपको। किए तो है नहीं कोई, बनाया है नहीं कोई। हाँ वही लग रहा है हमको भी, कोई बनाया नहीं है। हाँ किसी बोल रहे सीरियस हो जाओ, वोट देना है, ये सब तो खत्म हो जाएगा 2-3 महीना में, लेकिन 2-3 महीना में सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट को होगा, ठीक है? सिलेबस कम नहीं होगा सर? क्या सिलेबस कम नहीं होगा? अच्छा एक चीज तुम खुद सोचना सौरभ, सिलेबस को अगर कम भी कर दिया जाए 11 में जाके क्या करेगा फिर? साल भर के लिए अगर तुमका सिलेबस कम भी कर दिया तो तुम तो चीज को नहीं सीखेगा, 11 में जाके तो सारा चीज रहेगा ना, कॉन्सेप्ट तो सबका रहेगा, छूट जाएगा कॉन्सेप्ट नहीं। अगर सिलेबस कम भी कर देता है तो तुम्हारा फायदा थोड़ी ना है, तुम्हारा तो नुकसान ही है, क्योंकि तुमको तो सीखने जो चीज था वो सीख नहीं पाएगा। जो नंबर रियल नंबर है, नंबर सिस्टम पढ़ रहा है ना, 11 में भी आएगा, नाम बदल जाएगा अलग बात है। चलो आगे देखते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या कि कैसे किसी नंबर का हम लोग बिना डिवाइड किए एक्चुअल में डिवाइड किए पता करेंगे कि उसका डेसिमल क्या होगा, कैसा होगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो टॉपिक आपका क्या है ध्यान से देखिए, हम लोग टेस्ट करना सीख रहे हैं। क्या टेस्ट करना सीख रहे हैं? देखिए टू टेस्ट वेदर a given rational number is terminating or repeating decimal. अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? टेस्ट करना सीख रहे हैं। क्या टेस्ट करना सीख रहे हैं कि हम लोगों को कैसा पता चलेगा कि कोई जो रैशनल नंबर दिया गया है हम लोग को वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है ना? तो इसके लिए पिछला क्लास में एक बात बोले थे, याद होगा सबको, कि आपके पास मान लीजिए अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा PQ जो था वो बिलोंग कर रहा था किसको? इंटीजर को, और Q क्या था तुम्हारा? नॉट इक्वल टू जीरो था। अब यहाँ पे क्या बताया गया था कि अगर इफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power m, अगर आपके पास Q जो है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है ना? एक चीज और याद रखना, कुछ कंडीशन हम सब बार बार बोलते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं ना उसके साथ कुछ कंडीशन अप्लाई होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास 2 to the power m में m और n कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, है ना? m और n क्या होना चाहिए तुम्हारे पास?
तो m और n का हमेशा याद रखना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, है ना। तो क्या लिख देंगे, कंडीशन वेयर, द साइड में लिखते हैं वेयर क्या हो जाएगा आपके पास, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सर एक बार रिपीट करिएगा तो। सर हाँ रिपीट कर रहे हैं, सुनिए देखिए आपके पास हम लोग क्या सीख रहे हैं ना अभी, कि किसी भी रैशनल नंबर को देख के, है ना, कैसे बिना एक्चुअल डिवाइड किए कैसे बता देंगे कि आपके पास जो q है वो आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या आप बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे q को लेंगे और q को देखेंगे, अगर q हम लोग का 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो, 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो, ठीक है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तब कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, इफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n, देन क्या हो जाएगा आपके पास, देन q इज टर्मिनेटिंग। आपके पास उस समय क्यू कैसा होगा, तो क्यू आपके पास टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, और इस फॉर्म में अगर बन सकता है तो बना देंगे, और नहीं बन सकता है तब आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आप बोल सकते हैं, वैसा हो जाएगा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेने से और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल आपके पास है क्या, 31 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 31 और बाई में क्या है आपके पास, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 है, है ना, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 है, तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए। अब इसको अगर देखा जाए तो देखो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, ठीक है ना, यहाँ पर आप इसको m बोल सकते हैं और आप इसको n बोल सकते हैं, ठीक है ना, रिपीटिंग नंबर है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है इनटू 5 टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में ये है, ठीक है ना। लेकिन चलो इसको कुछ और हम लोग करते हैं आगे, तो क्या कर सकते हैं ध्यान से देखो, तो क्या यहाँ पर अब देखो हम लोग को डिवाइड बोला है कि इस तरीके का जो क्वेश्चन पूछेगा ना इसमें बोलेगा कि डिवाइड नहीं करना है तुमको, आपको डिवाइड करना ही नहीं है, तो बिना डिवाइड किए देखो कैसे बता देंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है ना और 5 टू द पावर 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको भी क्या करते हैं 2 टू द पावर 3 बना देते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 5 टू द पावर 3 है इंटू 2 टू द पावर 2, अगर हम लोग इसको इंटू कर दे 2 टू द पावर 1 से, तो अगर नीचे हम लोग इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा 2 टू द पावर 1 से करना होगा, बिल्कुल। आगे देखिए क्या होगा, जब आप ऐसा करेंगे तो 31 इंटू जब आप 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 62, ठीक है ना। और नीचे देखिएगा तो देखो बेस सेम होने से पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो आपके पास 5 टू द पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 टू द पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो 62 है ना, और नीचे क्या हो जाएगा देखो 5 इंटू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। पावर हम लोग ये क्या पढ़े, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 62 और क्या हो जाएगा 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 मतलब कितना, तो 10 का पावर 3 मतलब 1000 हो जाएगा नीचे में, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 62 बाई क्या हो जाएगा 30। अब देखो बिना डिवाइड के हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग का 0.062 होगा और यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा, हाँ या ना, सबको दिखा यहाँ पे। yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। नो सर। करेंगे जल्दी से। सर। हाँ
सर क्यू बराबर टू के पावर सिर्फ एम का फॉर्म में रहेगा तो नहीं होगा, क्यू बराबर टू का पावर सिर्फ एम का फॉर्म में, फाइव का फॉर्म में नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बताएंगे। समझ में आया ना? बताएंगे हो गया सबका? दो मिनट रुकिए सर। हो गया सर। हो गया सर। यस सर। अब देखो एक जो क्वेश्चन पूछा उसको देखो, देखो अगर नंबर इस तरीके का रहेगा 17/625, ठीक है ना। अब अगर 17/625 है तो देखो 625 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 पावर में 125, फिर से क्या हो जाएगा 5 पावर में 25 और देखो 5 पावर में 25, तो मतलब क्या 625 जो है इसको लिखा जा सकता है क्या 5 का पावर 4? हाँ या ना? ठीक, आगे देखिए। तो अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो आप इसको 17/625 को क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 4। यहाँ पर देखो आपके पास 5 to the power n या m जो भी बोलो वो तो है, लेकिन आपके पास 2 to the power वाला नहीं है। यही सवाल था ना सौरभ? आगे देखो तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है 2 to the power कुछ नहीं है, जीरो है। 2 to the power कुछ भी नहीं है, जीरो है। जरूरत क्या था? सोचो तो कॉमन बात सोचना है हर बार कि हम लोग क्या कर दे कि ये वाला 10 बन जाए, हमेशा 10 बन जाए और ये क्या हो जाए बाहर में पावर के फॉर्म में आ जाए। तो देखो अगर हम लोग क्या करें इसको 2 to the power 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो 5 to the 10 बन जाएगा और बाहर में 4 पावर के रूप में आ जाएगा। तो इसको आपको क्या करना होगा, इसलिए आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा किससे, तो आपको करना होगा 2 to the power 4 से और इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा किससे, तो आपके पास 2 to the power 4 से। अब जरा सा आप ध्यान से देखेंगे तो 17 into 2 to the power 4 आ चुका है और नीचे में आपके पास 5 into 2 का power देखिए 4 आ चुका है। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम इसको देखो तो आपके पास 17 into देखिए 2 to the power 4 कितना हो जाएगा, 2 to the 4 16 है ना, ये हो गया 16 और नीचे हो गया कितना 10 का power कितना हो गया तुम्हारे पास 4। अब चलो 17 into 16 करो जल्दी से 272 आ जाएगा तो ये आपके पास आंसर कितना हो जाएगा देखिए तो 1 2 3 4 मतलब 0.0272 ये आपका राइट आंसर। तो ये फॉर्म है अगर मान लो तुम्हारे पास 2 to the power m है लेकिन n नहीं है तो, या n है m नहीं है तो उस समय आप इसको ऐसे बना सकते हैं, अगर बनने वाला होगा तो बना लेंगे। चलिए हो गया
यस सर क्वेश्चन बना के दिखाओ क्वेश्चन है 171 बाई 800 बना के दिखाओ जल्दी से इसको सर सर 0.21375 0.21375 एक बार फिर से बोलना ना 0.21375 सही है बिल्कुल सही ये आपका 1C का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 था हो गया सबका किसी को दिक्कत है नो सर चलिए यहां तक सबका क्लियर है ना अब देखो अभी तक तो हम लोग देखे क्या कि अगर क्यू इस फॉर्म में होगा तो क्या होगा अब देखो कैसे पता चलेगा कि क्यू इस फॉर्म में अगर नहीं है तो जैसे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं If Q is not in the form, यहां पर in the form था ना तो यहां पर क्या लिखेंगे Not in the form. If Q is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then Q is क्या हो जाएगा आपके पास Q is non-terminating. Q is नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये आपका होगा अगर ये इस फॉर्म में क्यू नहीं होगा तो देखो इसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ठीक है ना तो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम लोग को देखो क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन देगा आपकी विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताइए कि 1 to 1 बाय क्या है आपके पास 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 7 to the power 5 इस फॉर्म में देगा ठीक है ना अब देखो बोलेगा क्या यहां पर ध्यान से देखना पहले डायरेक्ट देखते के साथ मत बोल देना कि ये तुम्हारे पास क्या होगा नॉट इन द फॉर्म ऑफ ये है ऐसा है देखते के साथ मत बोल देना पहले चेक करना चेक क्या करना है कि क्या इस p का कोई कॉमन फैक्टर निकलता है क्या जो क्या कर दे 7 टू द पावर 5 को खत्म कर दे तो देखो देखने के साथ दिख रहा है कि 7 टू द पावर अगर 5 किया जाए ना तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या कि ये आपका कॉमन फैक्टर इसका कभी नहीं हो सकता इसका कॉमन फैक्टर तो ये कभी हो ही नहीं सकता ठीक है ना अब हम लोग के पास इस चीज को देखने के बाद पहला स्टेप इसको देख चेक करेंगे कि क्या इसका कोई कॉमन फैक्टर इसके जो अलग नंबर आ रहा है काट सकता है क्या उसको अगर काट दिया तो ठीक है नहीं काटा तो आगे बढ़ेंगे क्या फिर देखेंगे कि हम लोग के पास 2 to the power 3 into 5 to the power m के फॉर्म में है क्या तो आपको दिख रहा है कि कोई भी ऐसा फॉर्म में नहीं है है ना मतलब आपके पास 2 to the power m तो है लेकिन n वाला 5 वाला कोई पार्ट नहीं है तो अगर नहीं है तो क्या कर देंगे बोल देंगे क्या आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये कैसा नंबर होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा और यहीं पे बात खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको डिवाइड करके तो दिखाना नहीं है तो आंसर आप सीधा क्या लिखेंगे कि हियर क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m इनटू 5 to the power n है ना देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और यही आपका क्या ऐसे लिख देना है खत्म जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको इसको लिखिएगा और लिखने के बाद इसको एग्जांपल लिखिएगा
यस सर हो गया सर हो गया इसको बनाने के बाद एक तो क्वेश्चन बनाएंगे ठीक है दिन का हो गया इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाएंगे 66/180 बताइए जल्दी से कैसा है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है Non-terminating repeating decimal. तो पहले कॉमन निकालना है ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ देना ठीक है चलो आगे बढ़ते अब देखो क्या आएगा तुम्हारे पास देखो यहाँ पे तो हम लोगों को कैसा दिख रहा था कि प्यू बाय फ्रैक्शन के फॉर्म में था है ना फ्रैक्शन से हम लोग को डेसिमल वाला आंसर देना था कि डेसिमल में ही क्या हो सकता है अब हम लोग को डेसिमल देगा और डेसिमल से क्या बोलेगा कि इसका फ्रैक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा और बनेगा तो फ्रैक्शन बना के बताइए तो वो काम को भी हम लोग देखने जा रहे हैं देखो क्वेश्चन क्या है एक्सप्रेस एक्सप्रेस द डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ rational number in the simplest form. मतलब क्या करना है आपको यहां पर अगर decimal expression देगा जिसको क्या करना है rational number मतलब क्या p by q के form में express करना है और किस form में तो simplest form में होना चाहिए तो देखो उसके लिए क्या एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हम लोग के पास रैशनल नंबर मान लो दिया है क्या 0.6 के बाद ठीक है ना 0.6 के बाद दिया है और हम लोग को इसको क्या करना है रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे पहले समझो एक चीज बताए थे फिर से याद कर लो यहाँ पे देखो 0.6 के ऊपर बार है बार का मतलब क्या होता है रिपीटेशन ठीक है ना आप क्या कर सकते हैं ये भी याद कर सकते हैं बार के ऊपर बार है ना मतलब नंबर के ऊपर बार है तो जिसके ऊपर बार है वो बार बार रिपीट होगा ठीक है ना याद करने के लिए ऐड कर लो कि जिसके ऊपर बार है वो बार बार रिपीट होगा तो यहाँ पे 6 के ऊपर बार है मतलब क्या हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 के बार है ना तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.666 ऐसे करके बढ़ते जाएगा ना इसको मान लेना नंबर वन इक्वेशन ठीक है ना अगला क्या करना तुम यहाँ पे देखो एक नंबर के ऊपर बार था एक नंबर के ऊपर बार था तो 10 से मल्टीप्लाई होगा उसी तरीके से दो नंबर के ऊपर बार होगा तो 100 से जितना आपके नंबर के ऊपर बार होगा उतना जीरो बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 अब देखिए दोनों तरफ आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर आपके पास 10x आ जाएगा इधर 0.6666 ऐसे करके आते जाएगा हाँ या ना इसको मान लेना क्वेश्चन नंबर टू अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है इसको किस में सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम किस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर टू से तो देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा ध्यान से देखो मतलब क्या हम लोग को 10x में x सब्ट्रैक्ट करना है तो उधर भी सब्ट्रैक्ट होगा ना 6.666 माइनस 0.666 तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास ध्यान से देखेंगे तो 10x में अगर x जाता है तो आपके पास यहाँ पे 9x आएगा और इधर अगर आप देखेंगे तो देखो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा
और यहाँ पे सिक्स में से जीरो जाएगा तो सिक्स ही बच जाएगा। अब तो क्या आ गया x बराबर 6/9। अब क्या बोला था कि देखो ये रैशनल नंबर तो आ गया, लेकिन हम लोग रैशनल नंबर को बोला था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो छोटा करेंगे। तो देखो 3 इसका कॉमन फैक्टर है, तो 3 2 जा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 3/9। तो x इज इक्वल टू 2/3। ये क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर। नोट करेंगे जल्दी से, डाउट होगा तो बोलेंगे। हो गया सबका? यस सर। हाँ बोलिए। गया सर, हो गया सर, हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। चलो इसको बना के दिखा दो जल्दी से। 0.254 के ऊपर बार है। सर 14/55 इसको दिक्कत है। देखो जिसको दिक्कत है देख लो, यहाँ पर क्या करना है, इसको x मान लेना है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 0.25454 ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएगा। देखो 54 के ऊपर बार है तो 54 बार बार बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो आगे आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना है, ठीक है ना। अब देखो क्या था तुम्हारे पास, तो आपके पास दो नंबर के ऊपर में क्या देखे आप, दो नंबर के ऊपर में आपके पास क्या था तो बार है, तो दो नंबर देखो रिपीट कर रहा था। सबसे पहले क्या कर लेना 10 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइंग सर हंड्रेड्स क्यों नहीं करेंगे, फिर कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। देखो 10 से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5454 ऐसे करके रिपीट करेगा, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेना, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं 10x से मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 से मल्टीप्लाई करो सेम इक्वेशन को, 100 से भी कर सकते थे डायरेक्ट जो बोला 100 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 1000 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1000 से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों नंबर आगे आ जाएगा, हाँ या ना। ये हो जाएगा आपके पास 254, पॉइंट क्या बचेगा 5454 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय थाउजेंड, वन बाय थाउजेंड, इक्वेशन वन को थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे आपको लिख लेना ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करिएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट। अच्छा एक बात बताओ, सब्ट्रैक्ट किसको किस में करेंगे? तो देखो थ्री को टू से करेंगे, क्यों बात को समझना। देखो दो ही नंबर के ऊपर पे बार था ना, तो दो नंबर के ऊपर बार था मतलब हंड्रेड से करना था। हम लोग क्या किए, थोड़ा आसान बनाने के लिए, बहुत किसी को डाउट होता है इसलिए आसान बनाने के लिए क्या किए, पहले टेन से किए। तो टेन से की करने से क्या आया, देखो जिस नंबर के ऊपर बार नहीं था वो आगे आ गया, ठीक है ना। ऐसा क्यों किए समझना जरा सा बात को। तुम अभी तक जो सीखा उसमें क्या सीखा कि 0.6 के ऊपर बार था, या आप देखेंगे कि 0.32 के ऊपर बार। तो यहाँ पर आगे में तुमको दिख रहा है कि किसी भी नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो हम भी क्या कर दिए, बस क्वेश्चन को वैसा ही बना दिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं 0.2 जो था उसको इधर लेके आ गए। देखो 2 इधर लेके आ गए, तो यहाँ पर तो इसी नंबर के ऊपर बार बचा ना, इस नंबर के ऊपर बार बचा तो जैसा था वैसा काम होने लगा। आप चाहते तो यहाँ अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो फिर आपको इसमें ले जाके माइनस करना पड़ता, लेकिन हम क्या कर दिए 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 10 वाला से, क्योंकि आपको 100 लेना है। तो अगर आप इसको 100 लेंगे, इसको अगर मान लो एक जीरो भूल जाते हैं तो इसका भी एक जीरो भूल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या था, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन, किन कौन से इक्वेशन को, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रॉम 3 से सब्ट्रैक्ट, 3 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ध्यान से देखिए 1000x है ना, और क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 254.5454 बढ़ते जा रहा है। माइनस होगा कौन सा, तो आपके पास 10x, 10x माइनस होगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, देखिए 10x में 2.5454 ठीक है। तो क्या आ जाएगा ध्यान से देखो, तो इधर देखो ये वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, हाँ या ना, इधर पूरा खत्म। अब देखो 4 में से 2 गया तो 252 इज इक्वल टू, देखिए 1000x में से 10x जाएगा तो 990x बचता है, ठीक है ना, 990x। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो 990x इज इक्वल टू 252, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 252 बाई 990। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करिए, दोनों में देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों को 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, x इज इक्वल टू देखो 1, 2 और कितना हो जाएगा 6, 2 × 2, 2 × 4 और क्या हो जाएगा 6 बार में 12, इधर भी करो 2 से, तो 2 से करो 495, बिल्कुल सही है। 4 बार में 8 हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा 9 बार में 18 और 10, और भी देखो फैक्ट, और भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जाएगा 126 है, तो देखो 6, 6, 2, 8, 1, 9 यहाँ पर भी देखिए 3 बार में से जाएगा, 3 से दोनों जाएगा, 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 बार में 42 सर, 42 बाय 163 यहाँ से, हाँ कितना 163 और 3 बार में 15, बिल्कुल सही 163। इसका देखो और सिंपलेस्ट होगा, होगा क्या 4, 4 × 2, 6 हो जाएगा, नहीं होगा सर। यहाँ पे कितना बताया 3 बताया, यस सर 3 × 3 और यहाँ पे कितना बचा 9 है ना, 18 6 बार में 18 और कितना होगा, यहाँ 5 ना होगा बाबू, 165 होगा। अब देखो 42, 4 और 2, 6 हो जा रहा है और ये भी अभी और 3 से चल जाएगा 14, 5, 55, 6, 14, 6, 12, फिर से 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 3 है ना, और कितना 4, 14, 55, 55, ये आंसर होगा 14 by 55, सबका आ गया है 14 by 55, यस सर। चलो तो 14 by 55 जो है वो राइट आंसर है, जिनका नहीं हुआ था कॉपी कर लेंगे, किसी को डाउट है तो पूछो वरना आगे बढ़ेंगे। सर जरूरी है सर, किसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है क्या,
सर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना जरूरी है? हाँ देखिए क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऊपर में लिख दिया ना इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर क्वेश्चन बोल दे रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है यस सर, आगे बढ़े तो सबका हो गया, जिसका नहीं हुआ तो कॉपी कर लेना। यस सर कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग, अगर ये सब का हो गया होगा तब हम लोग इरेशनल नंबर का प्रूफ्स देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि क्या कि देखो तुम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूफ करिए कि रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर पूछा जा सकता है क्या रूट फाइव प्लस थ्री इज एन इरेशनल नंबर, इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम बता देते हैं। हो सकता है तुमसे पूछ दे क्या कि रूट टू रूट फाइव रूट थ्री रूट सेवन कोई रैशनल प्रूफ करो, या फिर हो सकता है बोल दे रूट टू प्लस रूट फाइव, है ना, या फिर बोल सकता है रूट फाइव प्लस रूट सेवन, इस तरीके के क्वेश्चन को बोला जाएगा इरेशनल प्रूफ करो। या फिर हो सकता है बोलेगा क्या कि रूट फाइव प्लस थ्री रूट टू को इरेशनल प्रूफ करो, या फिर हो सकता है बोलेगा टू प्लस थ्री रूट टू। देखो ये चार टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, इसी में से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और ये फोर्थ टाइप, इन्हीं चारों टाइप में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे। प्रूफ के पहले एक थ्योरम भी होता है। थ्योरम क्या है, थ्योरम बोलता है कि आप प्रूफ करिए कि अगर पी की स्पीड जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी आपका ए को डिवाइड करेगा। इसमें देखो फंडामेंटल थ्योरम जो अरिथमेटिक का हम लोग पढ़े थे वो भी हम लोग का कुछ काम आता है, जो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का पढ़े थे, या फिर हम लोग प्रीवियस क्लास में भी। हाँ बोलिए। 2 - 3 रूट फाइव नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, चारों टाइप देखे ना उसमें कुछ भी हो सकता है। पहला क्या था कि सिर्फ आपको एक सिंगल रूट दे दे 2 root 2 root 3 root 5, है ना, या फिर हो सकता है कि आपको दे दे प्लस माइनस, तो आपके पास वो आपका ऑपरेशन है, ऑपरेटर है। लेकिन जो रूट जैसे हो सकता है दोनों में रूट रहे, या हो सकता है एक रूट में रहे एक रूट के बाहर रहे, या हो सकता है क्या कि आपका पास सिर्फ एक ही रूट में रहे, है ना। तो इस तरीके से तो टाइप था, ठीक है ना, आपके पास ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, प्लस हो माइनस हो। बात समझ में आ रहा है ना सर? फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम सर एक बार और समझा दीजिएगा क्या सर? देखो फंडामेंटल जो थ्योरम था अरिथमेटिक का वो क्या बोलता था कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। फिर से सुनना, देख लो एक बार काम देगा। क्या था कि जैसे मान लो 21 है, या फिर जैसे लिखते हैं क्या कि हम लोग कोई नंबर लेते हैं क्या 12, ठीक है ना। तो 12 को अगर हम लोग लिखते हैं क्या, तो आपके पास 12 को हम लोग 4 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हम लिखे थे 21, तो 21 को 7 × 3 लिख सकते हैं। तो देखो 21 आप बात करिएगा तो ये कंपोजिट नंबर है, 12 अगर बात किया जाएगा तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर सबको पता है ना क्या होता है? यस सर। हाँ नहीं पता है तो फिर से सुन लेना, जिसको दिक्कत होगा। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसका क्या होता है, 1 और खुद को छोड़कर और भी फैक्टर्स हो, 1 और खुद को छोड़कर और भी फैक्टर्स हो उसको कंपोजिट नंबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ कुछ वर्ड यूज होगा, जैसे कि कंपोजिट नंबर बोला जाएगा या फिर को प्राइम बोला जाएगा। को प्राइम का मतलब होता है जो दो नंबर जो एक ही टेबल में नहीं आता हो वो को प्राइम कहलाएगा, ठीक है ना। अब जरा सा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 4 का अगर बात किया जाए तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन वही अगर हम लोग 4 को 2 × 2 × 3 लिख दें तो अब देखो क्या 12 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। तो बनाना तुमको आना चाहिए। यहाँ पर देखो 4 था लेकिन 4 तो प्राइम नहीं है, बोल सकता है ना कि सर 4 तो नहीं है प्राइम, लेकिन 4 को आप 2 × 2 तो लिख सकते हैं ना, और 2 × 2 क्या हो जाता है आपके पास प्राइम नंबर होता है। तो यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता था कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये एक तो उसका मेन बात था जो तुमको भूलना तो नहीं चाहिए था। चलो आगे देखते हैं।
अब देखो हम लोग प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देखने से पहले एक थ्योरम है, उसको थोड़ा सा समझ लेना। इसमें ज्यादा परेशान मत होना कुछ बात को लेकर के, इसमें बस थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। देखो क्या हम थ्योरम लिखते हैं, तो थ्योरम क्या है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड कैड ऑन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। Let P be a prime number and A be a positive integer if P divides A square, then show that P divides A. देखो यहाँ पे बोला गया क्या, पहले जो तुम्हारे पास स्टेटमेंट है उसको समझिएगा। यहाँ पे बोला गया कि P एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, P एक प्राइम नंबर है। जैसे देखो कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं, तो प्राइम नंबर ले लेते हैं 21, या फिर चलो छोटा लेते हैं पहले। अगर हम लोग बात करते हैं, चलो 2 का बात कर लेते हैं, 2 एक कैसा नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो अगर बोला जा रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, तो ले लिए प्राइम नंबर। अब बोल रहा है क्या, एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देखो 2 ले लेते हैं, देखो 2 हम लोग के पास, ये क्या अपने लिए p इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू, सर 21 प्राइम नंबर है क्या, 21 प्राइम नंबर है, 21 नहीं नहीं 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम बोल दिए थे क्या, मोर देन 2 फैक्टर है, 21 हम प्राइम बोल दिए थे क्या, यस सर, अच्छा सॉरी 21 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है ना, वो 21 अगर बोल दिए तो गलती से, ठीक है, 21 सबको सुन लेना प्राइम नंबर नहीं होता है। अगर हम लोग के पास p अगर कोई प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, अच्छा यहाँ पर भी देखो हम नंबर को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखो p इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 2, एक ही क्वेश्चन में दो वैल्यू सेम नहीं ले लेना, ठीक है ना, प्रूफ में खास करके प्रूफ में नहीं ले लेना, एक ही क्वेश्चन में दो नंबर, मतलब क्या दो वैल्यू के लिए एक ही नंबर मत ले लेना। तो यहाँ पे देखो हम नंबर चेंज करते हैं, ठीक है ना, चलो एक ऐसा नंबर पहले लेते हैं। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है पी आपके पास कैसा एक प्राइम नंबर है और ए पॉजिटिव इंटीजर है। अगर आपके पास क्या बोल रहा है कि पी जो है वो ए को क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर ए अगर हम लोग लेते हैं क्या, कोई एक प्राइम नंबर बोलो, कोई एक नंबर बोलो, 11 11 चलो ठीक 5 ले लेते हैं, कोई नहीं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, बोल रहा है क्या कि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। अच्छा देखो बात बताओ, p को अगर हम लोग इसका a का स्क्वायर कर दें, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 a का स्क्वायर कर देते हैं तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा, ऐसा कब पॉसिबल हो, ऐसा कब पॉसिबल होगा कि कोई नंबर अगर इसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को डिवाइड, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो a को भी डिवाइड करे, ऐसा कब कंडीशन हो, ठीक है। अभी देखो समझने के लिए सिर्फ देखना, मान लो अगर हम लोग का अगर यहाँ पे 5 कोई नंबर होता p, तो अगर 5 अगर ध्यान से देखो 25 को डिवाइड कर रहा होता, तो क्या 5 को डिवाइड नहीं करता क्या, करेगा। मतलब क्या, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को, सुनो, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है, हाँ या ना। चलो एक कोई और भी नंबर बताओ, कोई और नंबर बताओ इसी तरीके का बताओ जो कर रहा हो, 23 7 और 13 21
31 13 13। अच्छा सुनो, दोनों में एक कंडीशन सुनना, दोनों में एक ध्यान सुनना, ठीक है? बहुत सारा नंबर है, अभी जैसे कोई बोला कि 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अगर 7 तुम्हारा 49 को डिवाइड करेगा तो 7 इसको भी डिवाइड करेगा, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल होगा। लेकिन जरा सा ध्यान से देखना कि क्या दोनों में, अगर आप 7 को देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको भी 7 × 1 लिखा जा सकता है, 7 × 1 लिखा जा सकता है, ठीक है ना? तो दोनों में आप क्या देख रहे हैं, एक चीज कि दोनों 7 जो है क्या है, दोनों का क्या है, आप बोल सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स है, हाँ या ना? 7 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है, बोलो हाँ या ना? अगर दोनों 7 का कॉमन फैक्टर है, मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, हाँ या ना? Yes, अगर कॉमन फैक्टर्स है तो को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग समझे कॉमन, को प्राइम का मतलब क्या होता है, जो एक ही टेबल में आता हो उसको हम लोग को प्राइम नंबर, जो एक ही टेबल में आता हो उसको हम लोग को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, ठीक है ना? को प्राइम नंबर उसी को बोलेंगे। जैसे देखो ध्यान से, अगर हम लोग कोई पी बाई क्यू लिखते हैं और पी बाई क्यू के जगह पे 2/3 लिखते हैं, तो देखो 2 ना तो 3 का टेबल में आता है और ना ही आपके पास 3 2 का टेबल में आता है, तो आप बोल सकते हैं क्या कि 2 और 3 को प्राइम नंबर्स होगा। तो हम लोग को इस प्रूफ में 2-3 बात ध्यान में रखना है। पहला क्या, इसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, देखो इसका जो यूज होगा ना, उस कुछ क्वेश्चन बनाने में कहां पे यूज होगा बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लो आप नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करने जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। हम लोगों को क्लास 10 में जो मेथड पढ़ना है वो कंट्राडिक्शन मेथड हम लोग का कहलाएगा। तो हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे किसी भी नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। तो उसमें हम लोग को बस यहाँ पर यही सीखने के लिए मिलेगा कि जब कोई नंबर कैसे पता चलता है कि को प्राइम होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप बात ध्यान से देखेंगे तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके साथ आगे बढ़ते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो सर, हाँ सर, कोई ऐसा एग्जांपल जो सर सर को सर जो मतलब स्क्वायर को डिवाइड ना करे सर, उसका स्क्वायर को डिवाइड ना करे? यस सर, ऐसा कोई नंबर? ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर लेते हैं क्या कि जैसे पी बोला है कि प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, और ए अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसा बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम लोग नंबर ले लेते हैं 6, तो 6 आपके पास प्राइम नंबर तो नहीं होता है, ऐसा एग्जाम्पल। और 7 ऐसे सोचो, कोई और नंबर सोचो। देखो प्राइम नंबर के कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा सर। हाँ बोलिए। पी को ले लेंगे 7 और ए को ले लेंगे 8, तो लेते रहना, करते रहना ना, उसमें तुम अपना बहुत सारा चीज, देखो बहुत सारा चीज तुम खुद से बना सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप बहुत सारा एग्जांपल खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना, कंट्राडिक्शन मिल जाएगा। अभी भी हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे उसको कंट्राडिक्शन मेथड ही बोला जाता है, ठीक है? जल्दी से देखो, टाइम खत्म हो जाएगा, बहुत सारा नंबर बना के रखना, फिर अगले क्लास में हम लोग उसी पे डिस्कस कर लेंगे। अब और ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, बस यही एक टॉपिक बचा है लास्ट, ठीक है? देखो तो इसमें लेट कर लेना, लेट पी, क्या लेट करना है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। देखो इसका प्रूफ देखते हो, लेट कर लेंगे क्या, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। हम लोग क्या मान लेना है कि पी एक ऐसा नंबर है, तो पी एक आपके पास प्राइम नंबर है और ए कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड ए इज अ पॉजिटिव, ए कैसा है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर। अब कैसा पॉजिटिव इंटीजर होगा, इस तरीके का, सच दैट, क्या बोला था कि आपके पास पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, सच दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। देखो बोल दिया क्वेश्चन में कि इस तरीके का नंबर लेना है कि जहां पर पी क्या करे, ए स्क्वायर को डिवाइड करे, ऐसा नंबर आपको लेना है। जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे नंबर्स का ग्रुपिंग करने का, तो उस समय ग्रुपिंग करते वक्त आपको ऐसा नंबर लेना है जिसमें क्या करे, पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर सके, ऐसा ही नंबर लेना है, इसलिए सच दैट लगा दिया गया।
अब जरा सा ध्यान से देखो, अगर तुम मान लो कि ए अगर हम लोग के पास कैसा नंबर है, ए प्राइम नंबर है ना, नहीं नहीं सॉरी, ए आपके पास पी भी है प्राइम नंबर है, अगर हम लोग क्या कर ले लेट कर लेते हैं ए के बारे में, तो क्या बोल रहा है क्या कि ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है। एक बात ध्यान से देखना, ए आपके पास कंपोजिट नंबर हो सकता है ना, अभी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़े थे कि अगर ए एक कंपोजिट नंबर हो, जैसे कि मान लो 12 हो, ठीक है ना, तो 12 को अभी सीखे हम लोग कि क्या कर सकते थे, 2 × 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से लिख सकते थे। तो उसी तरीके से ए पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर होने के बाद ए कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि प्राइम हो या कंपोजिट हो। चलो यहाँ पे कंपोजिट ही मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं है, तो कंपोजिट ही मान लेते हैं। तो कंपोजिट मानेंगे तो क्या मान सकते हैं, देखो हम लोग अगर कंपोजिट नंबर को क्या लिख सकते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या मान लेते हैं, p1 p2 p3 डॉट 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 क्या मान लेते हैं, pn pn क्या मान लेते हैं कि इस नंबर का क्या है, ये सारा नंबर क्या है, प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स है। तो जैसे कि 12 का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 × 2 × 3, उसी तरीके से ए का प्रोडक्ट क्या होगा, ये सारा ए का प्रोडक्ट होगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि होगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके का काम होता है, तो अब जरा सा ध्यान से देखो, अगर हम लोग फिर से क्या करें, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ना ये ए स्क्वायर बनेगा जो कि हम लोग को चाहिए। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर बनेगा, तो उस समय आपके पास क्या हो जाएगा, p1 p2 p3 डॉट 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 क्या हो जाएगा, pn इनटू क्या हो जाएगा, तो p1 p2 p3 डॉट 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 क्या हो जाएगा, pn, ऐसा हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान से देखना एक बार अच्छे से, यहाँ पर देखिए ये a a से मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर देखिए ये a स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, p1 p1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, p1 का स्क्वायर, p2 p2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, p2 का स्क्वायर, उसी तरीके से सारा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनते जाएगा, तो डॉट 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 pn का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। चलो अब देखो क्वेश्चन में बोल दिया है क्या कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ऐसा बोल दिया है कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 12, ठीक है ना, और p मान लेते हैं क्या, 2, ठीक है ना, तो उस समय जरा सा ध्यान से देखिएगा, देखिए इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर अगर 12 मान लेते हैं और यहाँ पे अगर 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो उस समय देखिए 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को आप 2 × 2 × 3 लिखिएगा, तो ध्यान से देखिए 2 जो है वो क्या कर रहा है, किसी भी तीन इसमें 12 के पार्ट को डिवाइड कर रहा है ना, 12 के किसी पार्ट को डिवाइड कर रहा है ये 2। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब p तुम्हारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या, p इसमें से किसी को डिवाइड कर रहा होगा, है ना, यहाँ पर कोई ऐसा जरूर होगा जिसको p क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट p डिवाइड्स p1 स्क्वायर, मान लेते हैं क्या कि p हम लोग का क्या कर रहा है, p1 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो p1 स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो p1 स्क्वायर को डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि a स्क्वायर के किसी भी पार्ट को डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर देन p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अभी हम लोग समझे क्या कि अगर इसके a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या, किसी एक पार्ट को डिवाइड कर रहा है। किसी एक पार्ट को डिवाइड करने के कारण हम लोग क्या देखे, अगर इसी को हेलो किसी को कोई दिक्कत, कुछ बोल रहे हैं कोई, चलिए p जब डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, दैट मींस p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। यहाँ पे p a स्क्वायर को डिवाइड किया तो इससे हम लोग क्या पता चला कि p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि p इज वन ऑफ p1 p2 p3 डॉट 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 pn, मतलब क्या कि p जो है, p इसका फैक्टर है a स्क्वायर का, मतलब p इन्हीं में से कोई एक है, p जो है इसी में से कोई एक है,
उस समय तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इन्हीं में से अगर कोई एक है, दैट मीन्स क्या कि अगर इन्हीं में से कोई एक है तो मतलब इसमें से भी कोई एक होगा, इसमें से कोई एक होगा मतलब क्या, इसमें से कोई एक होगा, इसमें से कोई एक होगा मतलब क्या कि ए को भी डिवाइड उस समय वो कर रहा होगा, क्योंकि अगर इसका इसका फैक्टर है तो यहीं से तो ये बना है, ठीक है ना। अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका अगर फैक्टर है मतलब क्या, इसी में से किसी में से वो बना है तब ना ये यहाँ आया, तो इसमें से अगर आया मतलब क्या ए था, तो इसमें से कोई फैक्टर होगा, तो इसमें से अगर कोई फैक्टर होगा इसका मतलब क्या कि ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से हम लोग क्या देखे, लिखेंगे क्या, देयरफॉर पी मस्ट डिवाइड ए, और यही हम लोग को दिखाना था। किसी को कहीं डाउट है तो बोलेंगे। थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। आखिरी वाला एक बार बता दीजिए सर। देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपल सा बात तुमको दे दिया है कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हम लोग क्या कर दिए, a स्क्वायर को देखो हम लोग क्या किए, पीछे से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग को a स्क्वायर दे रखा था, a स्क्वायर हम लोग को दे रखा था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, a से स्टार्ट कर रहे हैं। a को हम लोग मान लिए क्या, देखो हम लोग लिखो यहाँ पे अगर 12 लिखा जाए तो 12 को तुम क्या लिख सकता है, 2 × 2 × 3 इस फॉर्म में लिख सकता है ना, आया ना। चलिए अब देखो ए स्क्वायर तो 12 × 12, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2 × 2 × 3 और यहाँ देखो 2 × 2 × 3, इस तरीके का फॉर्म में लिख सकता है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखो 4 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। अब बोल रहा है क्या, देखो p जो डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या 4 12 को डिवाइड नहीं करता है, देखो यहाँ पे 144 आएगा, तो यहाँ पे क्या देखो 4 144 को डिवाइड नहीं करता है क्या, yes, sir. को? Yes, sir. तो मतलब क्या p जो है वो तुम्हारा क्या कर रहा है, यहाँ p स्क्वायर नहीं a स्क्वायर, p मतलब क्या देखो p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना, इसका एक पार्ट इसको डिवाइड कर रहा है ना। अब उसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या हुआ, देन पी पी इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देखो मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं, 144 का 4 फैक्टर होता है कि नहीं होता है, 4 फैक्टर है ना 144 का, यस सर बिल्कुल है। आगे देखिए यही लिखा गया है कि पी अगर फैक्टर है मतलब क्या पी जो है इसी में से कोई एक है, तो क्या 4 जो है इसी में से कोई एक है कि नहीं है, पी तुम्हारा इसी में से कोई एक है ना, यस सर यस सर, p इज वन ऑफ p1 p2 p3 मतलब इसी में से कोई एक है, तो यहाँ पर देखो इसी में से कोई एक है मतलब क्या, देखो पीछे की तरफ जाओ तो 4 से देखो 4 से 2 बना, तो 2 इसी में से कोई एक है, तो अगर इसी में से कोई एक है मतलब क्या a को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, यस सर यस सर, हां जय सर। क्लास का टाइम ओवर हो गया है सर? हाँ सर खत्म कर रहे हैं सर। ठीक टाइम खत्म हो गया है सर? हाँ सर 6:15 हो गया है। अच्छा ठीक है सर। सर सर बोलो, अपना नंबर लिख दीजिए ब्लैक बोर्ड। मेरा नंबर? जल्दी डाउट पूछने के लिए तो चैट में पूछना ना, ऐप में पूछ लेना ना, दूसरा मतलब चैप्टर का है, दूसरा चैप्टर का है। देखो जल्दी, अच्छा इसको पहले कॉपी कर लो। कर ली, साइड में लिख दे। अच्छा देखो इसमें अगर किसी को अभी भी अगर इसमें किसी को डाउट होगा ना, तो हम लोग पहला क्लास, देखो अब कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है ना, इस चैप्टर में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो अगर इसमें भी किसी को अभी भी डाउट होगा तो हम लोग जो अपना पहला क्लास स्टार्ट करेंगे फिर से वापस से यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस बार फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का लास्ट यही चीज बच गया है कि कैसे √3 √5 या किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ किया जाए, और कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ अभी के लिए थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।